श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने पहली बार माना कि उनके गलत फैसलों की वजह से देश इतने विकट आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। गोटाबाया ने श्रीलंका को आर्थिक बदहाली से निकालने के लिए नई कैबिनेट का गठन किया है। इस कैबिनेट में 17 मंत्री हैं। गोटाबाया ने इस नई कैबिनेट में से अपने दो भाइयों चमल और बासिल राजपक्षे और भतीजे नमल राजपक्षे को हटा दिया है। इससे पहले ये तीनों ही गोटाबाया सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। हालांकि गोटाबाया ने अपने भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री के पद पर बरकरार रखा है। राजपक्षे ने नए कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करते हुए कहा, पिछले 2.5 साल में हमें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कोविड-19 महामारी के साथ कर्ज का बोझ और कुछ हमारी गलती, उन्हें दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। हमें उन्हें दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना होगा, हमें लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करना होगा। अपनी गलती मानते हुए गोटाबाया ने कहा, देश में केमिकल फर्टिलाइजर पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए था। आपको बता दें कि श्रीलंका की सरकार ने देश में कृषि को पूरी तरह ऑर्गेनिक करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। गोटाबाया ने यह भी कहा कि कर्ज का बोझ बढ़ने के साथ ही उन्हें तुरंत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से संपर्क करना चाहिए था। आपको बता दें, श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उस पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। देश को $25 बिलियन के कुल एक्सटर्नल डेट में से करीब $7 बिलियन इसी साल चुकाने हैं। फॉरेन एक्सचेंज की भारी किल्लत की वजह से देश के पास इंपोर्टेड गुड्स खरीदने का पैसा नहीं बचा है। देश में फूड, कुकिंग गैस, ईंधन और दवाई की भारी किल्लत है और लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से लोगों को इन चीजों के लिए घंटों कतार में खड़े रहना पड़ रहा है। इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें आज तक।